ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಮಸ್ಮಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಾಕ್ಫ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು ಮೌಲಾನಾ ಎನ್ ಕೆ ಶಫಿ ಸಾದಿ ಸಾಹೇಬರು सो 2021 2022 ಸಾಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅವರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು सो ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ सो ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ मौलाना साहेब ऐन मतदार अंत निम्गू कूड़ा गोतागुत्ते सो फिलअप करें वो विजिट करना जरूरी है हमारा ऑफिसर्स कर रहे अगर नहीं हो रहे करके बोले तो हमारा नॉलेज को ले आए तो हमें हमारा ऑफिसर्स को वो हमें इंफॉर्मेशन देंगे उधर जाना ये करके और आपका रुकनुद्दीन टोला का लास्ट टाइम आने का टाइम आपका मीडिया वाले बताए थे जल्दी से जल्दी हमारा ऑफिसर उधर गए हमें जो कार्रवाई कराना था वो सब कराए ये तो वही बता रहा हूँ मैं 70-80 साल का प्रॉब्लम है वो हमें एक एक स्टेप बाई स्टेप हमें कर रहे जो भी वैसा मेजर आपका नॉलेज में आते हैं हमना अभी एक नंबर हमें दे रहे हैं आपको वो नंबर मीडिया का वजह से वो नंबर आप पूरे को पब्लिश करिए वो नंबर व्हाट्सएप रहेंगे उसमें कौन भी पब्लिक मीडिया वाले रहेंगे पब्लिक कौन भी उसमें कंप्लेंट कर सकते इंफॉर्मेशन भी दे सकते हमारा वर्क प्लान ऐसा इधर जगह पे और उसमें और नाजायज़ कब्ज़ा और जो कुछ है वो नंबर में आप पूरे कर्नाटक वाले को नंबर में व्हाट्सएप में अपना मैसेज ये करा सकते वो अभी नया एक कार्रवाई हमें ये करें वो नंबर आपको बता तुम्हें ठीक कर चलो कैसा तो नंबर ले लो नंबर ले लो एक्शन तो वो तो कानून वही बताया मैंने ये कानून जरा हमारा जमाने से जरा वीक है हमारा वो स्ट्रेंथनिंग करने का मजबूत करने का बहुत कोशिश हमें कर रहे कोशिश तो कर रहे हमें जाके नहीं कब्जा कर सकते ना कोर्ट का आदेश होना है फैसला जजमेंट आना है उसका ऊपर ही हमें काम करना है हमारा क्या है नाजायज़ कब्जा वाले स्ट्रांग है हमें ज़रा कमजोरी है इसलिए हमें स्ट्रांग होना चाहिए उनको कमजोरी कराने इसलिए वो कोशिश तो कर रहे हैं हम ये देखो 1962 में लैंड रिफॉर्म एक्ट आए और वो टाइम में हम ना टाइम थे रीग्रैंड कराने का लेकिन वो टाइम में 13 साल थे वो टाइम का बोर्ड भी नहीं सोचे और वो मुतवल्लिय लोग भी नहीं सोचे रीग्रैंड नहीं कराए वो बहुत बड़ा गलती हुआ है रीग्रैंड कराना था वो रीग्रैंड नहीं करने की वजह से ये सब कोर्ट में उनका फेवर हो रहे तो फिर भी वंस ए वक्त ऑलवेज वक्त वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो शरीयत का भी मामला वैसे है वक्फ तो लिल्लाह ताला अल्लाह के लिए मैं वक्फ किया होगा फिर किसका भी उसमें सेल नहीं कर सकते जो भी नहीं कर सकते वंस ए वक्त ऑलवेज वक्त वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसलिए मैं लड़ रहे रीग्रैंड नहीं करे हमारा वो पुराने वक्फ बोर्ड का गलती हुए है लेकिन तो हमें लड़ रहे अभी इसलिए हमें लगातार लॉ मिनिस्टर से 4 मीटिंग हुए माधुस्वामी साहब बहुत अपना साथ दे रहे और जुल्ले मैडम भी हमारा वक्फ मिनिस्टर उन्होंने भी बहुत साथ दे रहे हैं हमना ऐसा स्ट्रेंथनिंग करना इसलिए पूरे हमारा सीनियर एडवोकेट्स को बुला रहे हैं हमें ये इनको कैसा हमें मजबूत कराना वो भी कर रहे हैं और उनको एक कार देने का भी एक व्हीकल गवर्नमेंट व्हीकल करने का भी गवर्नमेंट का अरे मैं
उसमें देखो, उसमें आप बता रहे सही है, हमारा जिम्मेदार हमें तो कर रहे, मैं कहा था ये जितना डिस्ट्रिक्टों में विजिट किया उधर डीसी और एसपी से बात करके सेटरेट कर रहा हूँ मैं, वो गुलबर्गा डीसी भी किला का बारे में बात करने का है, लेकिन तो पब्लिक इसमें ज़रा अवेयर होना ज़रूरी है, पब्लिक का साथ देना। हमारा ऑफिसर जाते अकेला जाते, उनका गनमैन भी नहीं रहते, उनको पुलिस का भी ये बंदोबस्त नहीं रहते, पब्लिक उनको साथ देना है, आपका भी जिम्मेदार है वो, मैं बता रहा हूँ मोरल रिस्पॉन्सिबल बता रहा हूँ। अभी देखो कौन सा भी मुतवल्ली, हम जब आपके नॉलेज में ला रहे हैं मुतवल्ली जब का जब उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे, कौन सा मुतवल्ली का सेडम की प्रॉपर्टी का 36 एकड़ जमीन है, वैल्यूएबल लैंड है, जबकि आज हमारी कौम बच्चे पढ़ने से परेशान है। मैंने आराम से बोलिए, हाँ मीडिया ये भी ले लिया, हाँ बोलिए, कौन सा दरगाह हजरत सैयद सादात सेडम गजेटेड नोटिफाइड, ओके जल्दी हमें इंशा ये सेडम गुलबर्गा था क्या जी सर, ओके ओके आपका एलिगेशन जेन्यून रहे तो जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी इंशाल्लाह, ओके नेक्स्ट। हाँ नहीं नहीं वो भी मीडिया में आए तो परवा नहीं वो भी मीडिया में आए तो अच्छा है, ये लोगों का भी मीडिया में आए तो अच्छा है। कैसा कौन सा कमेटी है, क्या है क्या नहीं है उधर, अपना का अपना नाम में खाता बना है, कौन सा मस्जिद, हाँ का नाम है, एक मिनट हजरत, ये तो वक्फ बोर्ड का नाम में आए करके बता रहे, आपका नॉलेज में आए ना, सब मीडिया का सामने हमारा ऑफिसर बता रहे हो, नहीं तो व्हाट्सएप नहीं आप जो अभी मिलते आपको, ओके ओके हाँ नेक्स्ट, हाँ हाँ ओके एक मिनट उठ का हो फुटपोर्ट का नेग्लिजेंसी क्या भी नहीं है, हिजाब हमारा आप बता रहे वक्फ बोर्ड का नेग्लिजेंसी के बारे में बता रहे क्या, और मुतवलियों का नेग्लिजेंसी, वक्फ बोर्ड का नेग्लिजेंसी क्या भी नहीं है, लापरवाह नहीं है, हमें तो हिजाब हमारा इश्यू नहीं था, वक्फ बोर्ड का इश्यू नहीं है, फिर भी हमें उडुपी का हिजाब में हमें कार्रवाई कर रहे, पूरा कैसा डायरेक्शन देना हमारा कम्युनिटी को वो भी दिए, और हाई कोर्ट का फैसला आ गए, वो फैसला का अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट को कैसा जाना है वो सब हमें कर रहे, वो तो हमारा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें कर रहे, और हमारा इदारे को हमें फेवर करने ये क्या बचाने का हमें तो कार्रवाई कर रहे, कौन सा भी वैसा आपको लापरवाह दिखे तो हमारा नॉलेज में लेके आइए, नहीं ये तो ये तो लापरवाही का मसला ही नहीं है, ये कुछ लोगों का मसला है और ना गवर्नमेंट का है ना हिंदू मुसलमान का है, ये कुछ लोगों का मसला है, ये मसला हिंदू मुसलमान का मसला करके नहीं समझिए, ये मीडिया वाले ज़्यादा वो हिंदू मुसलमान का बीच ये कर रहे हैं, वो मसला नहीं कुछ लोगों का है, वो कानून का कार्रवाई करेंगे गवर्नमेंट और पुलिस लोग है, कानून भी है, वो कानून का जो करना है वो कानून का हक पूर्ण करेंगे, वो वक्फ बोर्ड जो करना है वो करेंगे, वो हमारा जायदाद को हमें नाजायज का जायदाद को हमें इधर फाइट कर रहे, इसलिए कौन सा भी मस्जिद रहे हो और मठ रहो, जमाने से सूफियों और ये शरण लोग स्वामी जी लोग मिलजुल के काम करें, इसलिए मठ में मुसलमानों का निशानी रहेंगे और हमारा दरगाह में हिंदू लोगों का भी निशानी रहेंगे, ये तो खूब है हिंदुस्तान का, ये ऐसा मिलजुल करते आप देखिए आलम शरीफ का, अभी भी आलम शरीफ में
एक हिंदू लोग जाके उधर जियारत कर रहे, वैसा जमाने से वैसा आ गए। आप बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह का दरबार को सिर्फ मुसलमान नहीं आ रहे, हिंदू लोग भी आ रहे। और हमें अभी जिड़का मठ को हमें परसों जाके आए, ये हमारा कल्चर, कर्नाटक का कल्चर, हिंदुस्तान का कल्चर है, खूब है वो ऐसा होना है, बरकरार होना चाहिए। इसलिए हमें सब ये होना, इसलिए आप ये मत समझिए ये पूरे हिंदू लोग ऐसा कर रहे हैं, वैसा क्या भी नहीं है। हमारे जज जो है ना तुर्किस्तान से दीन की खिदमत करते करते मेरे घर जो है ना मुल्ता नवाज के जो बड़े बेटे हैं ना अकबर हुसैनी, रात की तकलीफ की नमाज पढ़ने के बाद अरे दादा सर अल्लाह की मोहब्बत में क्या करना है, सुनो सुनो तो मुल्ता नवाज के जो है ना हम सज्जा जो मुझे हम आए इनके ख्वाजा पाशा कुसुम बाबा के दादा बीच में आके 17 गम की जागीर खा गए। हमारे बुजुर्ग बोले खे तो खाते कि नहीं, मेरे बाबा दादा को जो है ना तबरुक दिए, और वालिद मेरे मरने के बाद मेरा कोई साथ देने नहीं, और 12 गुद्दा मैं हूँ जो दरवाजा खोलना और बंद करना हमारी खानदानी विरासत है, हमारी विरासत को तोड़ दिए हैं खुसरू पापा ने और उनके बाबा ने भी। और जो है ना मैं दारुल औकाफ से जो है ना मैं केस लड़ा एक साल तक, मेरे पुराने पुराने बादशाहों के डॉक्यूमेंट्स पेश करा, मेरे को डिग्री भी हुई मगर 500 रुपये भी लिए, मेरी डिग्री के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए साहब। ये कैसा उसूल है आप लोगों का दारुल औकाफ बेंगलुरु का, और ये लोगों को सब मालूम है साहब को हमारे क्या हमारे बाल बच्चे भूखे मरना, और ये सज्जादे नशीन हमको 10-5 एकड़ ज़मीन नहीं दिए किसी खुदाम को, 12 खुदाम हैं हम जो दरवाज़ा खुलना और बंद करना हमारी खानदानी विरासत है, हमारी विरासत को तोड़ दिए हैं लोग। और यहाँ रशीद ये मेरा फराश है मेरे दरगाह बंदा नमाज का, जो हमारे बाप दादा से हमारी विरासत तोड़ दिए, अपना झंडे हाथ को देखता उठा रहे ये साहेब खुसरू बाबा ने, नहीं नाम नहीं लीजिए मैं क्या देखता हूँ, फ़ौरन एक्शन लो साहब नहीं है तो देखो मैं 500 रुपये भी भर रहा हूँ, दारुल औकाफ में मेरी डिग्री है, डिग्री नहीं दे रहे तुम्हारे दारुल औकाफ वाले, और जितने भी आए हाफिज सर अभी आप ही समझदार दिख रहे मेरे को, जितने हाफिज सर आए मुर्गे मुसलम खाते हैं खुदरू बाबा का लिफाफे ले लेके जाते हैं, हमारा काम करते ही नहीं सर, ये ऐसा उसूल है क्या बोलो, ऐसा करना क्या बोलो, हमारी कुरान शरीफ ऐसा बोलती क्या, कार्रवाई करें किसी औरों के काम में हो, जल्दी काम में आ ओके मेरा नॉलेज में चला हमारा, मैं आ रहा हूँ सर मेरा फिर मैं आ रहा हूँ इन्वेस्टमेंट करो, आप एक ही कॉपी है क्या आपका पास, एक ही कॉपी है आप देते आप मेरे फातिमा बोलते गए क्या नहीं गए, ये काम करेंगे सुनिए साहब, हमें आके बचनी है जखनी है खास, पहले हमारा काम करते नहीं बोल रहे, सुनिए सुनिए आप ये साहब समझदार है बहुत अच्छा आदमी है साहब, बोले बोले सुनिए 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 आप आपका ये कंप्लेन मेरा नॉलेज में आ गए, एक मिनट मैं लिख के दिया मैं, आप गुलबर्ग आने का जरूरत नहीं है, सुनिए आप एक हफ्ते का अंदर ये जो ये करके मैं देके रिप्लाई आ जाएगा, आप गुलबर्ग आने आप और पूरे डॉक्यूमेंट नहीं आपको मैं इतना बता इतना आप अकाली गाजी का सिलसिला है मेरा, बादशाहों का सिलसिला है आपका, जो डॉक्यूमेंट्स आप को कुछ नहीं मिल रहा साहब, बहुत बुक से दरगाह बंदा नवाज से कुछ नहीं, राजेश का है खाजा पाशा उनका बेटा खुसरू हुसैनी उनके बच्चे मट्टी के अंडे रखना देख साहब बोले कुछ भी मदद नहीं कर रहे हमको, कुरान शरीफ लेके बोल तो मैं यहाँ अच्छा कुरान शरीफ ना बोले तो लाठू ला के सिर पे रख के बोल खा रहे आपको क्या भी साहब आपको मुंतखब क्या है किंग के बीच में साहेब बिरादरी मुंतखब बिरादरी का भी हक मार रहे हैं खुदा माँ का भी हक मार रहे हैं और दूसरों को रखें दरवाजा खोलना और बंद करना ये उसूल है क्या इनका, बोलो मेरा बात एक मिनट सुनते हैं आप, बोलो खुशा बाबा को सामने फिर मुशाफा बात करेंगे, बोला करो अभी नंबर एक नंबर ले तुम्हें एक नंबर ले तो नंबर बताया ना, पूरे कर्नाटक को जाना है, जो भी कंप्लेंट रहे तो 9035827059 उसमें व्हाट्सएप कर सकते मैसेज कर सकते, जो भी कंप्लेंट है वक्त का इसमें है वो पूरा मीडिया वाले ये पब्लिश करिए, सभी हमारा आम लोगों को भी मिलना चाहिए। मस्जिद का कंप्लेंट है 2 साल पहले दिए थे हम, क्या भी एक्शन नहीं हुआ, 2016 में सेक्रेटरी साहब मर गए, 2017 में कमेटी बने, 2017 में कमेटी बने, अब वहाँ पे मुस्लिम आबादी कम है, शामदार 2016 में कमेटी डेथ सर्टिफिकेट मर गए, 17 में कमेटी बने वहाँ बोर्ड में,
डेथ सर्टिफिकेट लेके क्या खबर में से आया? मुझे एड्रेस नहीं करे सर। डेथ सर्टिफिकेट 2016 के 2017 में कमेटी बनी यहाँ पे देखिए, और मुस्लिम आबादी कम है शाहबाजार नाके में, और हमारे जो सदर साहब है सब मोटा अच्छा ये है यहाँ पे लोग तो घर हमको दुकान किराए से दे रहे हैं स्नेहितरे ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮೌಲಾನಾ ಎನ್ ಕೆ ಸಫಿ ಸಾದಿ ಸಾಹೇಬರು ಸೊ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದು ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರನ್ನು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸೊ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಆ ನಂಬರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾರಂತೆ ಅವರು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಧನ್ಯವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ